रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां समिट चल रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहुंचे। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मंगलवार रात मुलाकात हुई। मोदी ने पुतिन को अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता दिया। इसके बाद पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं को डिनर कराया। डिनर के दौरान पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान बीच में पुतिन बैठे थे और दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और जिनपिंग संगीत का आनंद लेते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस में राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज यहां भाषण देंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बायलेटरल मीटिंग होगी। एक्सेलेंसी, पिछले एक वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं।